मैं एहसानाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की एक मुतासिर हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट के जनरल ऑर्डर है जिसमें रोड, पार्क, इम्यूनिटी, ग्रीन बेल्ट से कब्जा हटाने के लिए कहा गया था। इसके ऊपर अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हुआ है। ये सेक्टर 5 अलग अलग स्कोप, जो कि 40 अलग अलग स्कोप के नाम से है, इसके लिए ये लोग बार बार सीपी सूट पता नहीं क्या क्या फाइल करते रहते हैं कि केस आगे ना बढ़े। किसी भी अमल, किसी भी नोटिस के ऊपर अभी तक अमल दरामद नहीं किया गया है। मेरी चीफ जस्टिस साहब से पुरजोर अपील है तमाम मुतासरीन की तरफ से, इसमें बहुत सारी बेवाएँ, यतीम बच्चे बहुत परेशान हाल हम लोग 13 साल से फिर रहे हैं, कि खुदारा सुप्रीम कोर्ट के जनरल ऑर्डर के ऊपर अमल करवाया जाए। कोई इदारा सिंध हुकूमत बिल्कुल इसके ऊपर अमल दरामद नहीं करवा रही है। हमने हर हर दरवाज़ा खटखटाया है, आज सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री आए इस उम्मीद के साथ के शायद यहाँ से चीफ जस्टिस साहब हमारे फैसले के ऊपर अमल दरामद करवा के हमारी सोसाइटी को खाली करवा दें। 485 एकड़ अराजी पे ये रकबा फैला हुआ है, हज़ारों घर इसमें मौजूद हैं जिसके ऊपर आज तक हमारा कब्जा हमें वापस नहीं मिला है। खुदारा हमें सेक्टर 5 जो कि अलग अलग कोर्ट के नाम से जाली, अलग अलग कोर्ट, गुलशन बरोही, इस तरह से करके हमारी सोसाइटी पर कब्जा किया जाए, उसको खाली करवाया जाए और हमारे प्लॉट हमें वापस दिलवाए जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। 6 से हमारी सोसाइटी पर कब्जा है और आज तक कब्जा हो रहा है। अभी भी 1 महीने पहले 4 एकड़ पर कब्जा हुआ है और कोई इदारा उसको रोकने के तैयार नहीं है। हाई कोर्ट के भी ऑर्डर हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर हैं, तमाम इदारों के ऑर्डर मौजूद हैं, मुख्तियार के भी ऑर्डर मौजूद हैं, तो हाई कोर्ट के नाजिर के भी ऑर्डर मौजूद हैं, उसके बावजूद भी है कब्जा रुकने का नाम नहीं है। अभी भी चल रहा है और अभी भी चल रहा है, अभी भी 4 एकड़ पर कब्जा हुआ है पिछले 15-20 दिन पहले। जिस शहर में चीफ जस्टिस मौजूद है उसके बावजूद भी कब्जा चल रहा है।